तो कैसे आप लोग लोग हेलो गाइस, वेलकम टू साका डायनामाइट एंड डायनामाइट गेमर्स। तो गाइस, आज का वीडियो है इंटरेस्टिंग, जिसमें कि मैं आपको बताने वाला हूँ क्लैश स्क्वाड हीरोइक टिप्स, कैसे हीरोइक जाते हैं, कैसे इजीली आप हीरोइक जा सकते हैं अगर आप ज़्यादा टाइम देंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं बहुत कम लाइव करता हूँ एंड लाइव पे ही खेलता हूँ, उसके बाद नहीं खेलता हूँ। तो यस गाइज, आपको ईजिली बताता हूँ कैसे हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता है। टिप्स बहुत अच्छी हैं, काफ़ी लोग फॉलो करते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे यूट्यूबर हैं, वो भी बातें सुनते हैं जब स्क्वाड में खेलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी एडवांटेज मिलेगी इन सब चीज़ों की जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस, सबसे पहले क्लैश स्क्वाड जो हमारा रैंक है वो हम खेलते हैं, और क्लैश स्क्वाड का नेम ही क्लैश स्क्वाड है। इसका मतलब हमारा स्क्वाड है और क्लैश मतलब क्लैश करना है। मतलब इसमें अगर आप ज़्यादा बैकफुट पे खेलेंगे या कैम्प करके खेलने की कोशिश करेंगे, मतलब बैकफुट या जो भी कैम्प करके, तो उसमें आपको लॉस ही होगा। क्लैश है मतलब रश करना है, ठीक। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले राउंड जो होता है वो पिस्टल फाइट होती है, उसमें हमको G18 लेनी होती है। बहुत लोगों के पास कला होता है, वो लोग कला में बेस्ट होते हैं। अगर वो चाहें तो यहाँ से G18 ना लेके कला यूज़ कर सकते हैं, एंड कला की पावर से 500 कॉइन अगले राउंड के लिए बचा सकते हैं और कला यूज़ कर सकते हैं, जैसे इस बंदे ने किया है मेरे ऊपर कला। क्योंकि मेरी सबसे बड़ी ड्रॉबैक है, जब कोई मेरे पास पंच लेके आता है तो मैं क्योंकि गन का गेम है तो मैं पंच नहीं मतलब हैंडल करता। तो सबसे पहला G18 जरूर लेंगे, 4 के 4 बंदे लेंगे और चारों बंदे एक साथ सामने वाली टीम के, जो भी सामने फ्रंट पे बंदा पड़ेगा उसको टारगेट करेंगे। तो बंदा एट अ टाइम डाउन होगा, फिर अगले को टारगेट करेंगे, फिर अगले को टारगेट करेंगे। अगर आप क्रॉस बना पाओ कि मतलब अगर जो एनिमी है वो उसके एक आगे बंदा एक पीछे बंदा अपने स्क्वाड का, तो वो बंदा तुरंत डाउन हो जाता है। तो यहाँ पे गाइस थोड़ा सा हमारे में जो बिग लाइफ भाई खेल रहे हैं वो भी कला यूज़ करते हैं, तो उन्होंने भी कला से डाउन किया है। तो कला वर्सेस कला होता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है, कला वर्सेस गन रहता है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो पहला राउंड तो हम जीत गए, उसकी कोई बात नहीं है। आपको अगर ये एक वीडियो होगा या जो भी होगा तो हिस्ट्री है ऑलरेडी, ऊपर थंबनेल पे भी लगाई है। बाकी लाइव पे ही खेलता हूँ, लाइव पड़ी है डायनामाइट गेमर्स पे, आप देख सकते हो। वीडियो लाइक करते रहो, शेयर करते रहो एंड सब्सक्राइब करते रहो। फिर राउंड 2 होता है गाइस, जिसमें अगर आप जीते हैं तो फिर आप थॉम्सन परचेज कर सकते हैं। और आपको मैं बता दूं, अगर आप हारते हैं तो M60, अगर आप M60 पाते हैं, अगर आप पहला राउंड हारें तो आपको ट्राई करना है कि लॉन्ग रेंज कॉम्बैक करें, दूर से बैठ के M60 का यूज़ करें, ऐसी जगह जो लॉन्ग रेंज पे काम आए। अगर आपको थॉम्सन मिली है तो ट्राई करिए आपकी टीम में जिसकी भी किल हुई है थॉम्सन के साथ जो वेस्ट ले सकता है उसको फ्रंट पे रखिए। जैसे बिग लाइफ भाई थे, इनकी पिछले गेम में किल थी तो इनके पास वेस्ट थी, तो मैंने इनसे बोला था आप फ्रंट पे रहो, फिर भी यार थोड़ा मेरी आदत है रश करने की ज़्यादा, तो वेस्ट नहीं थी मेरे पास, फिर भी मैंने एक बंदा डाउन किया और फिर मैं डाउन हो गया। तो ऐसे करके आप यहाँ पे वेस्ट वाले को आगे रख सकते हो और थॉम्सन लेके घुस जाओ, क्योंकि जब आप जीते हो तो आपको क्लियर है कि आपके पास थॉम्सन है, सामने वाले के पास M60 या डेजर्ट ईगल होगी, तो आपकी थॉम्सन ज़्यादा आपको एडवांटेज देती है राउंड जीतने में। आप बिल्कुल घुस जाओ, पहला राउंड जीत गए हो तो सेकेंड राउंड ईजी रहता है जीतना। उसके बाद गाइस बात करते हैं थर्ड राउंड, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि सामने वालों को भी थॉम्सन परचेज करने की मिल जाती है। बट इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें आप वेस्ट और ग्रेनेड और ग्लू वॉल ले सकते हो, साथ में आप EP जरूर लिया करो गाइस। EP बहुत हेल्प करती है, जब आप रन करते हैं एक प्लेयर से दूसरे प्लेयर तक जाते हैं तो आपकी धीमे धीमे हेल्थ इंक्रीज करती है। साथ में कैरेक्टर स्किल्स कौन सी यूज़ करनी चाहिए वो भी आगे आपको बताऊँगा, बहुत जल्द कई वीडियो आने वाले हैं टिप्स के, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लो चैनल को जिसने अभी तक नहीं किया। तो गाइस ये जो थर्ड राउंड होता है हमारा, थर्ड राउंड में हमारे पास भी थॉम्सन होती है और सामने वाले बंदों के पास भी थॉम्सन होती है, तो चांसेस थोड़े बहुत रहते हैं। तो ऊपर में आप ग्रेनेड आप अपने पास रख के ऊपर घेर सकते हो और दो बंदे नीचे आके इधर से मतलब देख सकते हो। अगर कंटेनर के पीछे हैं तो गैराज से डैमेज दे सकते हो, बट यहाँ पे बंदे ऊपर चढ़ गए थे तो हमको साइड से आना पड़ा, साइड से। और ये राउंड होता है मतलब जो होता है वो गेम चेंजिंग राउंड होता है। इसमें क्या होता है कि जो पहले दो राउंड जीता है कोई जीए नहीं कि वही जीते, क्योंकि सामने वालों को भी थॉम्सन परचेज करने का मौका मिलता है एंड उनको भी ग्रेनेड और वो सब बाय करने का मौका मिलता है। तो हमेशा गाइस क्लैश स्क्वाड में ना 2 vs 2 रहा करो, कि मतलब एक टीम के दो बंदे एक साथ, दो बंदे एक साथ, क्योंकि यहाँ पे देखो मैं सोलो हो गया हूँ तो बंदे ग्लू वॉल लगा के एक दूसरे को कवर कर रहे हैं, बट मेरे पास कोई साथी नहीं है जो मतलब इस चीज़ को। तो हमेशा क्या करो, क्लैश स्क्वाड को दो डुओ में बांटो कि भाई तू मेरे साथ रहेगा और तू उसके साथ रहेगा, ऐसे करके, ठीक। तो ऐसे करके आप ये थर्ड राउंड के लिए टिप ध्यान रखना कि 2 vs 2, पहला राउंड एक साथ, दूसरा राउंड एक साथ, थर्ड राउंड डुओ डुओ, ठीक, कि दो एक साथ और बाकी अलग। तो ये हो गया थर्ड राउंड के लिए। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा टीम दो दो की नहीं हुई थी, 3 और 1 की हो गई थी, इस वजह से प्रॉब्लम हुई।
तो गाइज उसके बाद आता है फोर्थ राउंड, यहाँ पे मतलब भर के हमें कॉइन मिलते हैं 2700 जिसमें मतलब भर की परचेस कर सकते हैं। अगर आपका राउंड ऑलरेडी आप जीते हुए हो तो आपको गन वगैरह नहीं परचेस करनी पड़ती है, आप डायरेक्ट ग्रेनेड खूब सारे ले सकते हो। बट यहाँ पे देखो पोचिनक मैप आया है, हर मैप का मैं अलग अलग भी बताऊंगा गाइज कि अलग अलग वीडियो आएगा हर मैप के लिए कि किस मैप पे कैसा खेलना चाहिए और किस मैप के लिए कैसा बैटल अच्छा रहेगा और कौन कौन सी लोकेशन होनी चाहिए जो कवर करनी चाहिए। तो फटाक से अभी चैनल सब्सक्राइब कर लो, आगे उसका भी वीडियो आने वाला है। तो यहाँ पे क्या होता है गाइज, जब ये हमारा जो चौथा राउंड होता है इसमें हमारे पास भी मतलब भर की ग्लू वॉल ग्रेनेड परचेस करने का होता है कॉइन, एनिमी के पास भी मतलब भर का होता है। तो इसमें मैप पे डिपेंड करता है कि फोर्थ राउंड में हमें किस तरीके से खेलना है, तो हमारा आगे का वीडियो आएगा। फिलहाल आपको ये बोलूंगा कि दो डुओ, मतलब सेकंड राउंड के बाद दो दो डुओ का शुरू हो जाता है, बट कुछ ऐसे मैप होते हैं जिनमें हमको चार के चार बंदे एक साथ रहने चाहिए, ठीक है, तो उनके लिए आपको हमारा आगे का वीडियो देखना पड़ेगा। तो गाइस इसमें सिंपल सा जो फोर्थ राउंड होता है इसमें आप ट्राई करो कि वेस्ट हेलमेट जरूर होनी चाहिए, गन अगर आप मतलब जिंदा हो तो आप ज़्यादा ग्रेनेड और ग्लू वॉल ले पाओगे, नहीं तो ग्रेनेड ग्लू वॉल में कम करो, ईपी जरूर रखो एंड साथ में ये क्या बोलते हैं आपका जरूर लो, क्या बोलते हैं ये ग्लू वॉल एंड ग्रेनेड, तो ग्लू वॉल आपकी कहीं ना कहीं काम आएगी एनिमी को रोकने में भी और एनिमी को ठोकने में भी। तो गाइज उसका क्या यूज़ है वो भी आपको पता चलेगा ही, ठीक। फिलहाल अभी आपको जो बताया मैंने फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड चारों बंदे एक साथ, जो थर्ड एंड फोर्थ राउंड होंगे उसमें दो दो का डुओ, ठीक है, एंड कुछ पर्टिकुलर मैप होते हैं जिनमें चार के चार बंदों को एक साथ रहना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी जैसे ये मैप आप देख रहे हो इसमें हमको क्या करना पड़ता है, एक बंदा घर के अंदर आके चाहे तो सबकी मैडी लेके बैठ सकता है और बाकी आपके तीन बंदों को एक साथ जाके बंदे मारने होते हैं, ठीक। तो उनको 3:1 या 3:2 करके इजी रहेगा लोगों को घेरने में, बट अगर सामने 4:3 हो गया तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी, तो आप ऐसे खिड़की वगैरह से सपोर्ट कर सकते हैं अपनी टीम को और चांसेस बढ़ा सकते हैं कि आपकी टीम जीते। तो थोड़ा सा ऐसे कवर लेना है और डॉट को, मेन जो इसमें डॉट होता है गाइस, डॉट के पास हमें ऐसी जगह पे कैंप नहीं करना है, कवर करना है। डिफरेंस है गाइस कैंप करने में और कवर करने में। कैंप करने का मतलब आप एनिमी को मारे ना, ठीक, कवर करने का मतलब आप अलर्ट रहते हैं कब एनिमी किधर से आएगा और आप रश करने के लिए भी अलर्ट रहें। तो कैंप नहीं करना है, कवर करना है। जो डॉट होता है उसको हमें कवर करना होता है कि हमें किस डायरेक्शन से डॉट कवर करके पास में रहेगा। डॉट के पास में कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे चौथे राउंड में। और इस गेम में गाइस कुछ नहीं, मेरी 12 किल हुई थी और साथ में मेरा 4300 समथिंग का डैमेज था, आप लोग देख लेना। और अदर गेम भी हैं उनमें भी मतलब ऐसे ही रहते हैं, तो 10-10 किल और 12-12 किल 8-8 किल ऐसी रहती हैं। बिग लाइफ की स्ट्रीम पे भी मॉर्निंग में मैं आपको दिख जाऊंगा, साथ में यहाँ डायनामाइट गेमर्स पे भी स्ट्रीम करता हूँ, तो वहाँ भी स्ट्रीम में पड़ी हैं, आप वहाँ से भी स्ट्रीम देख सकते हो। क्लैश स्क्वाड के खेलने की टैक्टिक्स वहाँ पूरी आवाज़ के साथ में है जब हम लोग उस टाइम प्लान करते हैं, स्ट्रेटजी देखते हैं। और गाइस हाँ ये भी यहाँ पे हम लोग जीत गए ये वाला राउंड मेडी से, और बंदा पीछे से आया था तो उसके स्टेप्स सुने थे मैंने, तो उस सब चीज़ से। अब यहाँ पे हम लोग राउंड जीते हैं तो हमारे पास प्रीवियस लूट है मेरे पास, एंड हम इसमें ग्रेनेड और ग्लू वॉल खूब सारी खरीद सकते हैं। वेस्ट हमने लेवल 3 की ले ली, जो हमारे टीममेट्स को रिक्वायरमेंट है वो हम उनको दे सकते हैं पूछ पूछ के, ये नहीं कि हम अपनी ही नीड देखें। अगर हमारे पास है तो हमको टीम का स्क्वाड है गाइस, तो स्क्वाड को टीम की तरह काम करना रहेगा, तो उसके पास सब कुछ होना चाहिए। तो अगर आपके पास वेस्ट है आपने दूसरे को खरीद के दे दी, अगर आपके पास ज़्यादा कॉइन है, अगर आप पिछले राउंड में जिंदा रहे थे, आप दो गन उठा के आएँ, एक गन अपने टीममेट को दे दें, जो अगर आपका टीममेट मर गया है तो उससे बोल दे तुम गन मत खरीदना, तुम वेस्ट वगैरह खरीदना, मैं तुम्हें गन दे दूंगा, तो आप उसको गन भी दे सकते हो, आप उसका कॉइन बचा सकते हो और वो कॉइन ग्रेनेड में यूटिलाइज हो सकते हैं, ठीक। क्योंकि अगले राउंड का क्या भरोसा, कौन जिंदा बचे कौन नहीं बचे, तो दो गन रखने से अच्छा एक गन। तो ये होता है हमारा इस वाले राउंड में कि हमें मतलब जो भी हमारे पास चीज़ें रहेंगी बचेंगी अगर हम जिंदा बचे रहें, ठीक, तो हमें वो चीज़ें देनी है, नहीं तो हमारे पास कॉइन मतलब भर के होते हैं, वेस्ट वगैरह परचेज कर सकते हैं। बट जितने ज़्यादा ग्रेनेड और ग्लू वाले रहते हैं उतना अच्छा चांस रहता है खुद को कवर करने का एंड साथ में एनिमी को मारने का। और जैसा मैंने बोला दो डुओ एक साथ रहने का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे साथ डुओ है तो काफ़ी एडवांटेज है, बंदे हमने बैक टू बैक डाउन किए हैं, तो जब डुओ साथ में रहता है तो एडवांटेज हो जाती है। बट अगर आपका डुओ या टीम इधर उधर हो जाती है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस तरीके से हमको एक साथ रहना पड़ेगा। तो गाइज अभी भी मैं कह रहा हूँ जिसको क्लैश स्क्वाड की टिप्स या अभी अगले सीजन हीरोइक की टिप्स जाननी है वो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, एंड गाइज इस चैनल पे आलोक गिवे भी होते हैं, उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो कैसे, सब्सक्राइब करके, क्योंकि जितनी तेज़ी से सब्सक्राइबर काउंट आप लोग इंक्रीज कर रहे हो। अब देखो गाइज यहाँ पे हम लोग ग्लू वॉल में फंस गए, एनिमी के पास ग्रेनेड होते तो वो अंदर फेंक देता और हम लोग मर जाते, ठीक। और यहाँ पे राइट नाउ एसएमजी की भी कमी थी, तो हम क्या करेंगे, अब हमारे पास ग्रेनेड है तो हमारे पास एडवांटेज है कि एनिमी बाहर वेट कर रहा होगा, तो हम हर डिग्री में ग्रेनेड थ्रो कर देंगे सर्कुलर, कि मतलब हमारे पास का एनिमी जो है वो भाग जाए और हम लोग जब भी ये ग्लू वॉल टूट के निकले, क्योंकि जोन भी श्रिंक हो रहा है, तो हमें
प्रॉपर एक रास्ता मिल जाए निकलने का। तो ऐसे करके हम अपने ग्रेनेड प्रॉपर यूटिलाइज कर सकते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो हमारे पास ग्रेनेड होने चाहिए मतलब भर के, वो काफ़ी हेल्प करते हैं। तो अगर आप राउंड जीत रहे हैं तो ग्रेनेड एंड ग्लू वॉल पे ही डिपेंड करें। तो गाइज इसमें एक सबसे जो खास मैप आता है वो फैक्ट्री का माना जाता है, क्योंकि उसकी कई सारी ट्रिक हैं गाइज। तो वो भी मैं आपको आगे वीडियो बताऊंगा। फैक्ट्री मैप के लिए पर्टिकुलर एक ही मैप में तीन ट्रिक्स बताऊंगा, ठीक है? तो उसके लिए भी चैनल सब्सक्राइब कर लो, ठीक? और वो आगे आपको पता चलेगी। और मुझे पता है वीडियो लेंथी है, बट आप ही लोगों को हेल्प मिलेगी, ठीक है? आप लोग जितना अच्छे से देखेंगे। तो यहाँ पे एनिमी थोड़ा हम लोगों ने मिस लोकेट कर लिया था, हमको लगा एल शेप की छत पे है, बट वो एनिमी एक्चुअल में इधर था। अब पता नहीं वो छत से जंप कर करके आया क्या हुआ, तो वो थोड़ा मिस लोकेशन हो गई थी कि हम लोग लोकेट सही से नहीं कर पाए थे। तो उस वजह से यहाँ पे ये एनिमी को एडवांटेज मिल गया कि हम टू थे और वो अकेला था, फिर भी उसने हम लोगों को मार दिया। और जो कि काबिले तारीफ है, ये जो भी प्लेयर है, मैं किसी का नाम नहीं जानता, ये अच्छा इसने यहाँ पे मूव चला। और ये मूव अच्छा होता है कि एनिमी को डिस्ट्रैक्ट करना। तो जब एनिमी मतलब बटेंगे, डिवाइड एंड रूल आपने सुना होगा अंग्रेजों की ट्रिक, तो वो चीज़ है। अब यहाँ पे गाइस ये हमारा मैप है, इसमें हमारे पास मतलब भर के कॉइन रहते हैं। इसमें हमको ग्रेनेड, अगर क्योंकि आप लोग ये सोचिए ग्रेनेड और ये चीज़ होनी चाहिए ग्लू वॉल, क्योंकि लास्ट में आपके पास मतलब भर के कॉइन रहते हैं, जिससे आप वेस्ट वगैरह ले लोगे उसके बावजूद आपके पास बचेगा। और ईपी आप देखो, मैं हमेशा ईपी लेता हूँ, ईपी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप दो ईपी नहीं लेते हो तो आप एक ईपी एटलीस्ट लो ही लो, क्योंकि वो रन करते टाइम आपकी हेल्थ धीमे धीमे इंक्रीज करता रहता है। तो यहाँ पे गाइस ये जो डॉट वाला घर होता है ये बहुत मेन होता है। और यहाँ पे इस डॉट वाले घर को देखो, एनिमी भी कवर कर रहे हैं और हम लोग भी कवर करने की कोशिश कर रहे हैं बराबर। तो यहाँ पे एक बंदा डाउन हो चुका है एंड यहाँ बराबर पूरे घर के अंदर बहुत तगड़ी वाली भसड़ चल रही है। हम लोगों ने अंदर तीन बंदे डाउन कर रखे हैं, लेकिन फिर भी देखो अभी तक किल नहीं मिली है, क्योंकि अंदर भी बंदे रिवाइव कर रहे हैं, हम लोग भी रिवाइव हो रहे हैं। तो ये डॉट वाला घर जो होता है बहुत होता है, इसमें पीछे आप छत पे भी बैठ सकते हो। बट अगर आप स्टार्टिंग में ये मैप आए और आपके पास M60 हो, मतलब आप उससे पहले वाला राउंड हार रहे हो, समझे, तो उस चीज़ में है। लेकिन अगर लास्ट में आता है तो आपके पास प्रॉपर ग्लू वॉल रहती है, प्रॉपर ग्रेनेड रहते हैं और आपके पास गन और वेस्ट वगैरह भी रहती है। तो इसमें बस भिड़ने का, इस राउंड में मतलब ग्रेनेड ग्लू वॉल यूज़ करके भिड़ते जाने का, ठीक? जितने बंदे आप मतलब सुला सकते हो रश करके उतने सुलाने का, कैंप नहीं करने का, क्योंकि लास्ट में ऐसा होता है कि टीम वाले सामने वाले तीन चार बज जाते हैं, आप अकेले बचते हो, फिर वो आपको आके पीले वाले घर में या कहीं भी दूर के मार देते हैं। अगर आप बैक फुट पे ज़्यादा खेलते हो या छत पे भी अगर आप फंसे हो तो आपको चारों तरफ से घेर के मार देते हैं। तो कभी भी लास्ट में जब ये मैप आए तो छत वगैरह पे नहीं बैठना है, सामने से 1-on-1 करके लड़ाई करनी है, घुस के लड़ाई करनी है। यहाँ पे काफ़ी ग्लू वॉल लगी थी तो रास्ता ही नहीं है और इस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हुई यहाँ पे। और एनिमी को पता नहीं कौन सी एडवांटेज थी, शायद उन्हीं की ग्लू वॉल लगी थी, तो जैसे ही वो नई ग्लू वॉल लगा रहा था तो पुरानी गायब हो जा रही थी। और यहाँ पे भी वो लोग ये राउंड जीत गए गाइस। तो मामला नेक टू नेक आ गया, देखो 3-3 हो गए, अब लास्ट राउंड बचा था। एंड ये इसमें हम लोगों को 4300 गन मिलते हैं, जिसमें कि हम आराम से लेवल 3 की वेस्ट हेलमेट और अपनी एक थॉम्सन गन और साथ में हम कई सारे ग्रेनेड ग्लू वॉल और अपना ईपी ले सकते हैं। 4300 कॉइन है, मतलब भर के कॉइन होते हैं, इसमें हम मतलब भर के परचेज कर सकते हैं। ये लास्ट राउंड होता है, इसमें ये नहीं होता, कोई ये नहीं कह सकता यार पिछला हारे थे तो हमको ड्रॉबैक है, फिर सामने वाले को ज़्यादा है हमको कम है, ठीक? तो इसमें हमारे पास पर्याप्त मतलब कॉइन होते हैं खरीदने के और हम उनसे पर्याप्त खरीद सकते हैं, तो कोई बहानेबाजी नहीं होगी। और यहाँ पे शिपयार्ड वाला है, तो वैसे शिपयार्ड वाले राउंड में अगर ये स्टार्टिंग में आता है आपके पास कार 98 वगैरह है तो वहाँ ऊपर चढ़ने में बहुत ज़्यादा फायदा रहता है। बट क्योंकि ये लास्ट में आया है तो ये राउंड भी ग्रेनेड एंड ग्लू वॉल से आप कवर कर सकते हो। जितने ज़्यादा ग्रेनेड हैं सब सामने वाली एनिमी टीम की तरफ थोप दो एंड अपने टीममेट से बोलो जाके कवर करें जहाँ पे, क्योंकि आपके ग्रेनेड आपके टीममेट को नहीं डैमेज देंगे बट वो सामने वाली जो टीम होगी उसको डैमेज जरूर देंगे और आपके टीममेट उनको ईजिली डाउन कर लेंगे। यहाँ पे देखिए एनिमी ने भी ग्रेनेड फेंके, बट मुझे डिस्टेंस पता है तो मैं थोड़ा दूर हो गया था तो इसलिए मेरे को डैमेज कम आया। और बराबर एनिमी ग्रेनेड फेंक रहे हैं, वो भी एडवांटेज लेना चाह रहे हैं ग्रेनेड की, तो यहाँ पे वो उनकी एडवांटेज मिले। और साथ में गाइस देखो जैसे ही मैं किल कर रहा हूँ मेरा एचपी कितना हो रहा है, ठीक है? इस चीज़ पे भी ध्यान दो, ये मेरे कैरेक्टर स्लॉट हैं जो कि मैं आगे के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ सीएस मोड के लिए बेस्ट कैरेक्टर स्लॉट कौन से यूज़ करने हैं। आप देखिए जब जब मैं किल कर रहा हूँ मेरी एचपी बढ़ रही है खटाक से और एकदम से अच्छी खासी हो जा रही है, कैसे और क्या वो भी मैं आपको बताऊंगा। और साथ में आलोक तो यार एवरग्रीन है ही, तो वो तो आप जान ही गए कि आलोक रखना है। और इसमें गाइस एक और चीज़ बता दूँ, अगर जैसे आपके टीममेट ज़्यादा हैं और एनिमी कम बच रहे हैं तो अपने टीममेट को रिवाइव करने पे आप फोकस करिए। अगर आपके टीममेट कम हैं और एनिमी ज़्यादा हैं तो आप अपने टीममेट को अगर एक बार डाउन हो जाए तो उसको मरा समझ लीजिए। तो ये थी सिंपल सी टिप कि अगर आप लोग कम हैं
तो अपने टीममेट को डाउन होने पे मरा समझ लीजिए, अगर आप लोग ज़्यादा हैं तो उसको रिवाइव जरूर करें। अब यहाँ पे एक एनिमी बेचारा अंदर खुद को फंसा लिया, आप देखो यही कैंपिंग इस पे बुरी पड़ गई। अगर ये आके अपने टीममेट्स का थोड़ा साथ देता तो हम लोगों में पॉसिबिलिटीज़ थी, एक दो डाउन होके मर जाते, ठीक पूरा ख़त्म कर देता। बट अब ये यहाँ पे बैठा है, कैम कर रहा है, डॉट भी थोड़ा दूर है, ये मेडी भी नहीं मार सकता। हम लोगों ने ग्लू वॉल को, इसकी ग्लू वॉल लगी थी, फिर हमने भी लगा के फंसा दिया, ठीक। और ऊपर से यहाँ पे हमारी क्वीन है, उनको तो ज़्यादा ही कुछ है, तो उन्होंने तो उसको ग्लू वॉल से लगा लगा के बाहर निकाल लिया। हमने बोला था अंदर इसको तड़पा तड़पा के मारेंगे, उन्होंने ग्लू वॉल लगा लगा के बाहर निकाल लिया और फिर उसको मार दिया। तो यहाँ पे हम लोग जीत गए हैं ओवरऑल 12 किल एंड 4000 डैमेज के साथ। तो ये कुछ टिप्स थी जो आपको समझ में आई, अच्छी बात है। अगले में बताऊंगा कैरेक्टर स्किल स्लॉट्स क्या क्या यूज़ करने हैं और मैप के अलग अलग वीडियो आएंगे। थैंक यू सो मच, बी डायनामाइट डिबू या आग लगा दो बोले तो कतई चेहर। थैंक यू, इसी वीडियो में क्या है।